चंद्रकांत भैया, ब्राह्मी के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? तेजस्वी, ब्राह्मी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नींद अच्छी आती है और इससे थायराइड भी बहुत कम होता है और मेंटली स्ट्रेस भी कम होता है और मेमोरी भी बढ़ती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट्स वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। ब्राह्मी के तीन मैच चलो मैं आपको करके बताता हूँ। मैं आपको ब्राह्मी का फर्स्ट में बताता हूँ। पहले अपने अंगूठों से कान को बंद कीजिए और फिर रिलैक्स साउंड का उच्चारण कीजिए और मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ। अपने अंगूठों से कान को बंद ना बंद कीजिए और फिर आंखों पे ऐसे रखिए और ओम का उच्चारण ओम। और चलो मैं आपको तीसरा भी बताता हूँ कैसे करते हैं। तीसरा वे पहले फिर से आप अपने अंगूठों से कान को बंद कीजिए और आंखों पे रखिए और ओम का उच्चारण करना है और ये दो उंगलियां सिर पे रखनी है तो इन तीनों को ऐसे करना है और फिर ओम का उच्चारण ओम। ब्राह्मी करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और कान पर ज़्यादा जोर नहीं देना, आँखों पर भी ज़्यादा जोर नहीं देना और एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। आप ब्राह्मी के तीनों ऑप्शन में से कोई भी कर सकते हैं, मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ।